रुक करते हैं खबरों की ओर। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली। आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 107 अंकों पर बढ़कर 61,980 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं आज निफ्टी में फ्लैट कारोबार हुआ है और यह 18,403 के लेवल पर बंद हुआ। आज आईटी शेयरों में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली है। मीडिया, मेटल और यहाँ फार्मा शेयर लाल निशान पर बंद हुआ है और वहीं रियल्टी में 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हैवी वेट शेयरों की बात करें तो आज 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में ज़्यादातर शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं और आज के टॉप गेनर्स में कोटक बैंक शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और एनटीपीसी के शेयर शामिल रहे।